कल मैं अपने दोस्त के साथ डिस्कस कर रहा था गोल के बारे में, लक्ष्य के बारे में। तो लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, कितनी बार चेंज होते हैं, उनकी प्लानिंग कैसे तय होते हैं वो, तो इन सब बारे में बातें चल रही थी। तो मैंने अब तक देखा अपनी लाइफ में मेरे साथ जो मेरे अनुभव हैं कि कितने गोल मैंने बनाए हैं अब तक, कितने पूरे हुए हैं और क्या प्लानिंग रही है उनकी। तो इस बारे में मैं खुद के अनुभव बताऊंगा अपने। तो मैंने क्या देखा, जो गोल हैं, जो लक्ष्य हैं, वो लाइफ के हर टाइम में, हर फेज़ में चेंज होते रहते हैं। जैसे हम 5वीं में थे तो हमारा लक्ष्य था 12वीं में कोई साइंस स्ट्रीम लेनी या कॉमर्स लेनी या आर्ट लेनी, सभी का होता है। तब हम 12वीं में आ जाते हैं तो हमारा लक्ष्य आता है कि मैं कोई बड़ा टेस्ट क्रैक करूं, किसी बड़े कॉलेज में मेरा दाखिला हो, इंजीनियरिंग कॉलेज या MBBS का कोर्स करूं, या ऐसे उसके गोल होते हैं वो जो चेंज होते रहते हैं। तो 12वीं के बाद गोल कुछ और बन गया उसका, फिर उसका किसी भी कॉलेज में दाखिला हुआ, बड़े में हुआ या छोटे में हुआ वो अलग बात है। तो उस पढ़ाई के दौरान जो भी उसके ख्वाब थे 12वीं तक, ख्वाब सपने बड़ी नौकरी के या बड़े टेस्ट के, उसको थोड़ी थोड़ी असलियत मालूम हो चुकी होती है कि उसको कितना पता है, कितनी सच्चाई है इन चीज़ों में, गोल में कितना गोल रियलिस्टिक है और वो कितने सपने ले रहा है। वो खुद को आंक चुका होता है कि मैं कितने पानी में हूँ। तो 12वीं के मतलब कॉलेज के बाद, पास आउट होने के बाद उसको सच्चाई का पता लग चुका होता है और वो ये सोच रहा होता है कि अब टेस्ट जो बड़े तूने पास करने थे वो ठीक है, हुए या नहीं हुए, अब मुझे कैसे ना कैसे नौकरी करनी है कितने भी पैसे की। फिर उसका गोल हो जाता है कोई जॉब, गोल हो गया, चेंज हो गया गोल। फिर जॉब मिल गई उसे, जॉब मिलने के बाद उसका गोल हो जाता है कि कैसे ना कैसे मैं सीनियर पोस्ट पे जाऊं, सीनियर पे। फिर सीनियर पे भी आ जाता है तो उसका एम हो जाता है ज़्यादा पैसे कमाना। तो ऐसे लाइफ के हर फेज़ में हमारे गोल चेंज होते रहते हैं, कुछ के गोल पूरे होते हैं, कुछ के पूरे नहीं होते। तो मैंने क्या सीखा अपनी लाइफ में अब तक जितना भी, कि गोल रखना और ये गोल वर्ड, लक्ष्य वर्ड आया कहाँ से है, किसने बताया हमें, किसने कहा कि आप गोल सेट करो। तो मैंने देखा खुद पे कि जिसने भी बताया कि आप गोल सेट करो, कोई लक्ष्य होना चाहिए आपका, वो कहीं ना कहीं लालच से आ रहा है। लालच है आपका इम्प्रूवमेंट, इंसान का विकास में होना हर पल, कि मैं इम्प्रूव हो जाऊं अब से कुछ अलग। फिर मैंने बच्चा देखा, छोटा सा बच्चा होता है जो, कि छोटे बच्चा कभी नहीं सोचता कि मैं इम्प्रूव हूँ, क्योंकि वो जो पैदा होता है ना तो भगवान उसको परफेक्ट ही पैदा करता है, पूर्ण ही पैदा करता है। जो उसमें भाव आते हैं अपूर्ण के, इम्परफेक्शन के, वो दुनिया वाले डालते हैं उसमें कि तुझे कुछ बनना है, तो अभी कुछ नहीं है, तुझे कुछ बनना है। कुछ बनने का मतलब है ज़्यादा पैसे कमाने हैं, बस दुनिया की नज़रिया से। तुझे बड़ा पोस्ट लेनी है, बड़ा पद, बड़ी पढ़ाई, बड़े टेस्ट, सब बड़े का मतलब है ज़्यादा पैसा। छोटा बच्चा पूर्ण परफेक्ट है, उसमें इच्छा है ही नहीं कि मैं विकसित हो जाऊं। जिसमें इच्छा ही नहीं है विकसित होने की, वो गोल सेट ही नहीं करेगा। गोल सेट वही करेगा जिसमें खुद को कमियां नज़र आ रही होंगी कि मेरे अंदर कुछ कमी है, अभी मैं जिस स्टेज पे हूँ ना वहाँ मैं संतुष्ट नहीं हूँ, तो क्यों ना मुझे सीनियर पोस्ट मिल जाए, क्यों ना अभी मेरे पास 1 करोड़ रुपया है तो मैंने गोल सेट कर दिया 2 करोड़ रुपये का। कहाँ से आया वो गोल? लालच से। आपका लालच कुछ बनने का और इम्प्रूव होने का,
मतलब अल्टीमेटली आप अपने आप को ये बता रहे हो कि मैं इम्परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कुछ कमियाँ हैं, तो क्यों ना मैं उन कमियों को हटा के और परफेक्ट होने लग जाऊँ, और पूरी ज़िंदगी बीत जाती है उसकी, वो परफेक्ट हो ही नहीं पाता। इनफैक्ट मेरे हिसाब से तो परफेक्ट वर्ड ही गलत है, परफेक्ट कुछ नहीं है यहाँ पे। परफेक्ट वर्ड हर इंसान के लिए अलग अलग है। मेरे लिए कुछ परफेक्ट है, आपके लिए कुछ परफेक्ट है। मैं MBBS को परफेक्ट समझूंगा, आप MBBS से ऊपर भी MD या MS करेगा उसको परफेक्ट समझोगे। तो सबके लिए परफेक्शन की भाषा अलग अलग है। परफेक्शन वर्ड सिर्फ हमें हीन भावना देता है कि आप अपूर्ण हो, आप में कुछ कमियां हैं, आप खुद को परफेक्ट कर लो वरना आप हार जाओगे, दुनिया से पीछे रह जाओगे। वहीं से गोल आता है, वहीं से हमें सोच आती है कि हम कोई गोल सेट करें कुछ पाने का, अपने आप को परफेक्ट करने का। तो मैंने देखा कि जो गोल है वो अस्थाई है, परमानेंट नहीं है, क्योंकि परमानेंट चीज़ होती तो वो एक ही बार लाइफ में होती। कि बचपन से ही सोच लेता बच्चा कि मुझे MBBS बनना है बस, लेकिन हम क्या देखते आ रहे हैं बचपन से लेके अब तक, वो पता नहीं कितने कैरियरों में जा चुका है उसके ख्याल। कभी इंजीनियर बन रहा है, कभी पायलट बन रहा है, कभी आर्मी में जा रहा है, उसके गोल बदल रहे हैं, और बदल रहे हैं तो वो किसी भी चीज़ पे स्टिक नहीं है, और स्टिक नहीं है तो प्लानिंग कैसे करेगा किसी एक चीज़ की। तो जो गोल होते हैं वो लाइफ के हर फेज में चेंज होते हैं, परमानेंट नहीं है। तो जो परमानेंट नहीं है वो असत्य है, मेरा अनुभव है। तो असत्य है कि प्लानिंग करना कहाँ तक ठीक है, कितना ठीक है, वो आप पे डिपेंड है। कि आप कोई असत्य को पाना चाहते हो उसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी या नहीं, वो आप पे डिपेंड है। ओवरऑल मेरे अनुभव से मुझे इतना लगा कि गोल लक्ष्य एक वेस्ट की चीज़ है। देखो मेरा अनुभव है, ये आपका कुछ भी हो सकता है, जो कि लालच से आया है, जो कि इम्परफेक्शन से आया है। आप में कुछ कमी है, आप इम्प्रूव हो जाओ इसलिए आपको गोल सेट करना पड़ा, उसके अकॉर्डिंग प्लानिंग करनी पड़ी। तो अब तक जहाँ तक देखा गया है सिर्फ 5% इंसानों के गोल पूरे होते हैं, वो भी तब जब वो लेक्चर फोकस करते हैं अपने गोल पे, बिल्कुल स्टिक हो गए प्लानिंग और कहीं दूसरी चीज़ों में नहीं, बिल्कुल एक गोल पे ध्यान उनका, और उस गोल, वो गोल भी उनका स्पेसिफिक है हर कैटेगरी कि मुझे बस यही चाहिए। और ये देखा गया है जब वो चीज़ उसको मिल जाती है तो वो खुश नहीं होता। एट लास्ट किसी को भी गोल मिल गया उसका, भाई मुझे, मैंने गोल बनाया 1 करोड़ रुपए का, मैं उस पर पहुँच गया 1 साल में 2 साल में, तो उसके बाद क्या? मैं तो 1 करोड़ पे पहुँचने के बाद भी संतुष्ट नहीं हो रहा, अब मेरा कोई और गोल बन चुका है 10 करोड़ का, तो गोल क्या हुआ? गोल तो कुछ हुआ ही नहीं। जहाँ का गोल तय करते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं हम, हजारों आदमी तो पहले ही पहुँच चुके हैं यहाँ पे, तो हम सोचते हैं कि हमने क्या उखाड़ लिया, कुछ भी नहीं, चलो इससे ऊपर चलते हैं। गोल जो सेट होते हैं उनको पूरा करने के बाद भी आप एक नया गोल बनाते हो। आप कितना ही बड़ा ऊंचे से ऊंचा गोल बना लो, वहाँ पे आप पहुँचोगे तो देखोगे कि बहुत सारे आदमी पहले ही पहुँचे हुए वहाँ पे हैं और दुखी हालत में हैं, क्योंकि उनके दिमाग में उससे भी बड़ा गोल फिक्स हो चुका है वहाँ आते ही। अगर उनको 10 करोड़ रुपए मिल गए तो उनकी इच्छा होगी 100 करोड़ कमाने की। तो गोल क्या है ओवरऑल? गोल इच्छाएँ हैं, इच्छाएँ। इच्छाएँ क्या है? आपका लालच।
अब उस लालच को पूर्ण करने की आप कितनी ही प्लानिंग करते रहो, अगर वो पूरा हो भी जाएगा तो भी क्या, आप खुश तो नहीं होगे ना। मेन आपकी लाइफ का जो मकसद होना चाहिए वो शांति या खुश, टोटली खुशी। तो आपको गोल प्राप्त होने के बाद खुशी तो मिल ही नहीं रही, एक टेम्परेरी खुशी मिल रही है जिससे आप पार्टी कर ली आपने एक दिन के लिए, बस खुश हो लिए कि मुझे 1 करोड़ का गोल प्राप्त हो गया, बस उससे क्या आप संतुष्ट तो नहीं हुए ना। वहीं एक दूसरी तरफ बंदा है जो सिर्फ 5,000 में संतुष्ट है, उसका गोल था 5,000 का, वो वहाँ 5,000 पे आके और फिक्स हो गया और वो संतुष्ट है, खुश है, शांत है, बस। और वहाँ एक दूसरी तरफ 50 करोड़ वाला बंदा भी खुश नहीं है, उसका गोल और ऊपर बढ़ गया। तो गोल ज़्यादा से ज़्यादा सेट करने का मतलब है और इच्छाएं अपने अंदर जागृत करना और उलझना विचारों में और प्लानिंगों में उलझना। तो इन सब से आपको लगेगा कि इसका मतलब तो हमें गोल सेट ही नहीं करने चाहिए कुछ भी, तो हम गोल सेट ना करेंगे तो काम कैसे करेंगे, हम कर्म कैसे करेंगे, कि हमारा कोई गोल या कोई लक्ष्य ही नहीं है तो हम कर्म कैसे करेंगे। हमें मोटिवेट क्या चीज़ मोटिवेट करेगी हमें कुछ पाने के लिए। देखो मैंने जहाँ अपने अनुभव से देखा है, आपके लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं ना उनके लिए आपको मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, इंस्पायर होने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। आप ये बता दो मुझे कि कितनी बार आपको भूख लगी और आपको खाने के लिए किसी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है। आपको भूख लगी आपने खा लिया, बस ऐसे ही है। आपको कपड़े की ज़रूरत पड़ी तो आप पहन लिया, किस मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ी है। तो ऐसे ही लाइफ में अगर आप कुछ भी चाहिए होगा, बच्चों के लिए खाना, अपने लिए जॉब, तो वो करना आपकी मजबूरी होगी, आपका धर्म होगा, आपका कर्तव्य होगा, उसके लिए आपको किस मोटिवेशन की ज़रूरत होगी, किसी की भी नहीं, किसी गोल की ज़रूरत नहीं है। वो आप करोगे तो रोटी खाओगे, वहाँ गोल की ज़रूरत ही नहीं है। भाई मुझे भूख लगी, मैंने रोटी खा ली, गोल क्या बनाया, कुछ नहीं है, मेरी आवश्यकता है। गोल जहाँ तक आप बनाओगे, ज़्यादातर उन चीज़ों के गोल बनाते हो जो आपके शरीर के लिए ज़रूरी नहीं है, फालतू की चीज़ें हैं। भाई मैंने गोल बना लिया कि मैंने अपनी फैमिली को भाई गर्मियों में ना स्विट्ज़रलैंड लेके जाना है, फालतू का गोल है मेरा, ठीक है। क्या है, एक लग्जरी लाइफ का गोल है, बकवास का। भाई मुझे ना एक BMW चाहिए, गोल बना लिया। क्यों, आपकी ज़रूरत एक छोटी गाड़ी में भी पूरी हो सकती है। चलो आपको BMW चाहिए ही, तो उसके लिए भी क्या गोल सेट करना। अगर कभी आप उस मुकाम पे पहुँचे और आपको BMW की ज़रूरत पड़ी तो ले लेना, बगैर गोल सेट किए ही। क्या गोल सेट करना, और उन चीज़ों का भी क्या गोल सेट करना जो अस्थाई है। अगर आपने इन चीज़ों का गोल सेट किया और उस चीज़ को कुछ हानि हुई, कुछ स्क्रैच हुआ उस गाड़ी को, तो आप दुख से भर जाओगे, क्योंकि आपकी उसमें आपकी मोह जुड़ गया, आप उसमें अटैच हो गए उस वस्तु से, क्योंकि जिसे पाने में आपने 10 साल लगाए हैं, अगर उस वस्तु को स्क्रैच आ गई तो आप में क्रोध आ जाएगा, फिर आप दुखी हो जाओगे अल्टीमेटली। मतलब सांसारिक चीज़ों का लक्ष्य बनाना ही व्यर्थ है, बकवास की चीज़ है। तो इन सब से आप सोचोगे कि मुझे तो गोल सेट करना है और मुझे कुछ पाना है, बगैर गोल सेट हुए मैं कुछ कर ही नहीं सकता। तो जहाँ तक मेरा अनुभव है, आपको गोल सेट ही करना है, तो आप उसकी शुरुआत कैसे करें वो समझ लीजिए। जैसे मैंने किया, मैंने अप्लाई किया है कि अभी आप बैठे बैठे अपने मन में ये सोच लीजिए कि मेरा सबसे बड़ा गोल क्या है।
अगर मैं सेट करना भी चाहूँ किसी भी चीज़ में, किसी भी पैसे पे, किसी भी पोस्ट पे, आप सोच लीजिए कि मेरा वो गोल सेट है, सोचिए। तो क्या सोचा आपने, क्या गोल है आपका? IAS बनना। तो आपने गोल सेट किया एक IAS अफसर का, ठीक है, ये आपका गोल है। तो अभी मैं आपको गोल दे रहा हूँ एक सबसे बेस्ट, अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो पूरी ज़िंदगी खुश रहेंगे, पूरी ज़िंदगी। आपने गोल सेट किया IAS अफसर बनने का, अब भी बैठे बैठे सोचिए कि मैं IAS अफसर हूँ, मैं बन चुकी हूँ, अब सोचो मैं अब क्या करूँगी दुनिया के लिए, समाज के लिए, वही काम करिए, वही गोल है आपका, बस वही आपका पूर्ण गोल है, जो आपको पूरी ज़िंदगी, जिसकी आपको प्लानिंग नहीं करनी पड़ेगी, जो कभी बदलेगा नहीं, वो गोल आपका कभी नहीं बदलेगा, और वही गोल आपको पूर्ण शांति और पूर्ण सुख देगा। जैसे फॉर एग्जांपल, आपने गोल बनाया भाई 10 करोड़ का, मुझे 10 करोड़ पैसे कमाने हैं, तो 10 करोड़ पे आप पहुंच गए। आप ये सोचिए अभी मेरे पास फिलहाल मेरे बैंक में 10 करोड़ रुपए हैं, तो अगला कदम क्या होगा जो मैं करूँगा, किसकी मदद करूँगा, या कोई स्कूल खोलूँगा, या मैं उनसे अय्याशी करूँगा, या जो भी कुछ करूँगा ना, वो आपका गोल है। उसके बाद आप IAS अफसर के बाद जो गोल सेट होगा ना, वो गोल है आपका। भाई IAS अफसर क्यों बनना चाह रहे हो आप? पॉपुलरिटी के लिए, समाज सेवा के लिए, पैसे कमाने के लिए? तो उसके बाद पता चलेगा असली गोल का मकसद। IAS अफसर बनना तो आपकी इच्छा है, उसके पीछे का मकसद आपके दिमाग में है प्लांट, कि मुझे समाज की भलाई करनी है, या मुझे पॉपुलरिटी चाहिए, या मुझे पैसा कमाना है। इन तीनों में से जो भी आपका मकसद होगा वही आपका गोल होगा। कुछ समझ में आई बात? या आपने गोल सेट किया 10 करोड़ का, तो सोचो कि 10 करोड़ मेरे पास हैं, अब मैं क्या करूँगा, उसके बाद क्या करूँगा। तब जो निर्णय आएगा आपके दिमाग में से, वो लालच से हटके होगा। उस निर्णय में लालच नहीं होगा, उस निर्णय में कोई चाह नहीं होगी। तब जो आप डिसीजन लोगे ना, वही आपको पूरी लाइफ करना चाहिए। उस काम पे जुट जाओ आज से ही, जो काम आप IAS अफसर बन के करते, समझ लो आप IAS अफसर हो। जो काम आप उसके बनने के बाद करते ना, वो आपसे करने लग जाओ, वही गोल है आपका। और अब ये मत बताना कि वो काम हम कर नहीं सकते, क्योंकि कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो आज से ही शुरू नहीं कर सकता।